दोस्तों नमस्कार, हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो जारी की गई है पावर ग्रिड की तरफ से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट यहाँ पर मेंशन है 26/2/2020, यानी कि 26 फरवरी 2020 की ये खबर है। तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश थी, तो आप जो है इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। और ये जो वैकेंसी निकली गई है दोस्तों ये नॉर्दर्न रीजन की तरफ से निकली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं उसमें फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसीज क्रिएट हुई है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या क्या जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पोस्ट की वैकेंसी है, फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए दोस्तों 6 पोस्ट की वैकेंसी है, और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट की वैकेंसी है, फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी दोस्तों अगर हम मिला के देखें तो टोटल जो है 36 पोस्ट की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये जो है वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। अगर हम जनरल और ओबीसी की अलग अलग यहाँ पे देखें तो अनरिजर्व के लिए जो है दोस्तों जो 16 पोस्ट की वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 7 पोस्ट की वैकेंसी है, एससी के लिए 7 पोस्ट की वैकेंसी है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट की वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है। तो ये जो है टोटल जो है 36 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है जिसमें इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें इस वैकेंसी के बारे में जो कि फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है 29 साल रखी गई है, और आपकी एज जो काउंट होगी 6/2020 को काउंट होगी। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे फुल टाइम बीटेक या तो बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के साथ, या तो इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज 55% मार्क के साथ। तो मतलब कि बीटेक या तो बीएससी इंजीनियरिंग हो 55% अंकों के साथ होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पे फुल फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो यदि आप जो है डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 55% अंक के साथ मिनिमम, तो फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पे जो है किस किस डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से किए हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से किए हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से किए हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से किए हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है इसमें है। और यहाँ पे एक साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जिसमें आप एक साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कहीं से अप्रेंटिस की हुई है, तब भी वो प्रेफर्ड होगा आपके एक साल के एक्सपीरियंस में, और आपका माना जाएगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में दीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अप्रेंटिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अप्रेंटिस यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो अपॉर्चुनिटी मिलते ही अप्रेंटिस आप कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट की जो कि यहाँ पर फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए है। इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है 29 साल, 6/3/2020 को एज काउंट होगी। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में सारी चीज़ें मांगी गई हैं। जो है फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए आपको बीटेक मांगा गया है, और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है 55% मार्क के साथ। और यहाँ पे इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फॉर्म को भर पाएंगे, इसमें भी एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बातें ध्यान में आप दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मिलता है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का, वो आपको मिलता रहेगा जैसा यहाँ पे नियम बना है उस हिसाब से। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होगा उसके बारे में। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों, इसमें आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के थ्रू गुजरना होगा।
यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड से और 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके जो भी अपने डिसिप्लिन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल या सिविल है तो उससे, तो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को मिनिमम 40% अंक लाना होगा, और वहीं SC ST OBC NCL और PWD और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा उस टेस्ट में। तो ये आपके लिए टेस्ट का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये तो फील्ड इंजीनियर के रही, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो है प्रोसेस उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी सेम प्रोसेस है, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा से रिलेटेड होंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पे आपको 40% मार्क्स लाना होगा अनरिजर्व और EWS के लिए, 30% मार्क्स लाना होगा SC ST OBC NCL PWD और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। तो ये जो है हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपके उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है, तो आपके काम को देखकर आपको रेगुलर भी किया जा सकता है। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जानते हैं, बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो इसमें आपको रेगुलर हो जाएंगे तो आपके करियर ही बन जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कितनी आपको सैलरी मिलेगी। फील्ड इंजीनियर के लिए दोस्तों जो सैलरी मिलेगी वो आपकी सैलरी 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक जाएगी, जिसमें इनिशियल क्या रहेगा, मतलब शुरुआत में जैसे आपकी जॉब लगेगी तो उसमें क्या रहेगा, बेसिक पे आपको 30,000 रुपये का मिलेगा, 30,000 रुपये का आपको बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल DA मिलेगा, DA होता है जो इंडस्ट्री में मिलता है, और DNS अलाउंसेज जिसे बोलते हैं, और HRA होता है जो हाउस एंड रेंटर अलाउंसेज होता है, ये रहेगा। उसके बाद जो है जो सैलरी का 35% रहेगा वो पक्स रहेगा, मतलब कि इसके साथ साथ मतलब 30,000 तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें DA ऐड होगा, HRA ऐड होगा, और 35% बेसिक सैलरी का पक्स ऐड होगा। तो टोटल अगर आपकी सैलरी यहाँ पे देखें सब कुछ मिला जुला के, तो लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी चली जाएगी। तो ये बातें ध्यान में दीजिएगा, 50,000। अब फील्ड सुपरवाइजर के लिए हम देख लेते हैं, तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो सैलरी होगी 23,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1,05,000 रुपये तक जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी शुरुआत में ही 23,000 रहेगी बेसिक, प्लस उसमें DA इंक्लूड होगा, HRA इंक्लूड होगा, उसके बाद पैक्स इंक्लूड होगा 35% का, तो बेसिक सैलरी में। तो ये सैलरी भी लगभग 40,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये सैलरी का है, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, ऐसी सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब फॉर्म को भरना कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ीस जो रखी गई है, फील्ड इंजीनियर के लिए फ़ीस जो है 400 रुपये, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन और SC ST और PW के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, तो ये बात आप ध्यान में दीजिएगा। अगर हम सेंटर की बात करें तो आगरा और लखनऊ जहाँ पर सेंटर रखा गया है, तो दो ही चीज़ें जगह पर आप जो है एग्ज़ाम अपना दे पाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म को भरने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को भर पाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी डेट्स वगैरह क्या हैं। एक और यहाँ पे चीज़ है कि इसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, कोई भी आप दिक्कत हो परेशानी हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो है इसके क्या क्या इसमें डेट्स रखी गई हैं फॉर्म भरने वगैरह की। तो जो फॉर्म भरा जाएगा ये 26/2/2020 से फॉर्म भरा जाएगा, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 6/3/2020, और कट ऑफ डेट 6/3/2020 है, और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू जो है यहाँ पे बताया जाएगा आपको। तो ये आपकी रही, तो ये रही कंप्लीट चीज़ें इस फॉर्म के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझे होंगे इस फॉर्म से रिलेटेड, और हमने सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता दी। तो कोई भी और सवाल है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वेबसाइट को फॉलो करते रहिए sarkarijobfind.com को। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आती हैं सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो इस वेबसाइट को आप डेली फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सारी वैकेंसीज एक ही जगह अपडेट होती हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।